in this question, in triangle ABC, first side AB, second side AC, or base is BC. क्यों ऐसा हो जा रहा है? अच्छा चलो ठीक है, हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो हम in triangle ABC, the bisector AD of angle A, इस एंगल A का bisector है AD, and angle 1 is equal to angle 2, is perpendicular to the side BC, this is the BC and perpendicular है, ये AB 90 degree, AB 90 degree, angle 1 is equal to angle 2, तो given आप लिखोगे इन ट्रेंगल एबीसी एडी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी, अगर कोई दो साइड इक्वल है एक ट्रेंगल का, इसको हम आइसोसेलस ट्रेंगल भी कह सकते हैं, या आप लिख सकते हो ट्रेंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्रेंगल। अब इसको प्रूव करने में हम दो ट्रेंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रेंगल इन ट्रेंगल एडीबी एंड ट्रेंगल ADC, first triangle ADB, second triangle ADC, पहले ADB और second लेंगे ADC। अब दोनों triangle में आपका किस property का यूज करेंगे? तो पहले तो angle 1 is equal to angle 2 हो गया, हाँ angle 1 is equal to angle 2, एक side common और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, यानी दो साइड हुआ और इंक्लूडिंग एक दो एंगल हुआ इंक्लूडिंग एक साइड हुआ, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो पहले लिख दो एंगल 1, एंगल 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 नहीं, तो एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड तो नहीं है, इंक्लूडिंग साइड है, आपका दो एंगल के बाद साइड रहता तब तो आप कहते AAS, एंगल 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 से कंग्रुएंट नहीं होता है, एंगल 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 तीन अगर एंगल इक्वल है दूसरे ट्रेंगल का तो कंग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा, जो कि सिमिलर आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है। AAA कंग्रुएंसी रूल आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो? साइड 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 कन्वेंसी रूल होता है, लेकिन एंगल 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 कन्वेंसी रूल नहीं होता है ना? हाँ हाँ, तो सिमिलर आपको क्लास टेंथ में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, वो ए सिमिलरिटी रूल क्लास टेंथ में, अभी आपको कन्वेंसी पढ़ना है। कन्वेंट के लिए तीनों साइड रहेगा तो कन्वेंट होगा, लेकिन तीनों एंगल रहेगा तो कन्वेंट प्रूफ नहीं होगा। तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है उससे हम कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिखा दिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन लिख दिए, और एक क्या इक्वल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में ही परपेंडिकुलर दिया हुआ है,
कि द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर द साइड बीसी। अब हम एंगल साइड एंगल एएसए कंग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल एडीबी कंग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी कर सकते हो। आप जब कंग्रुएंट आ गया तो सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी। ये सीपीसीटी से आपका प्रूफ हुआ। अगर दोनों दो साइड इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलस ट्रायंगल भी कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। जहां थोड़ा सा आपका वीडियो में भी देख सकते हो, वीडियो में प्रॉब्लम होगा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप इसको तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब तक बोर्ड सुख रहा है, आप एक बार फर्स्ट टर्म का पोर्शन को अपने बुक में टिक मार लो। कुछ कुछ स्टूडेंट बार बार पूछते रहता है, तो आज भी हम बोल रहे थे कि फर्स्ट दिन क्लास आए हो। चलिए एक बार और बोल देते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। फर्स्ट टर्म का पोर्शन में पहला टॉपिक कंटेंट्स में है नंबर सिस्टम। आप बुक में टिक मार लो, वहां वन लिख दो, फर्स्ट टर्म पहला नंबर सिस्टम, सेकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल, ये सब फर्स्ट टर्म का हम बोल रहे हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ चैप्टर में आइए इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, चार हो गया टॉपिक। पांचवा में आइए लाइंस एंड एंगल, छठा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और सातवां रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला। सातवां क्या रहेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। ये टोटल 7 चैप्टर आउट ऑफ 15 में आपको 7 फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। सेकेंड टर्म के लिए बच गया 8 चैप्टर, सेकेंड टर्म के लिए जो रिमेनिंग है वो सेकेंड टर्म का पोर्शन है। ओके ठीक है, पूरा नहीं इस बार हो सकता है डिवाइड कर दे, अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन अभी फर्स्ट टर्म का तुम तैयारी करो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एक एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किए और इसका नाम ए बी सी दिया हुआ है। ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली द मीट पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी, यहां आपका ई है और यहां आपका एफ है। गिवन में हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव करना है क्या, तो बी एफ यानी इसको अगर ज्वाइन करेंगे, यहाँ ई है और ये एफ है, दोनों तरफ ई लिखा गया है, यह है आपका साइड मिड पॉइंट एफ है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, प्रूव दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ इक्वल टू सी ई। ये हमको प्रूफ करना है, B
BF इक्वल टू CE। अब बताइए इसको प्रूव करने में हम क्या करेंगे, किस किस ट्रेंगल को लेंगे, कैसे लेंगे। ये आवाज कहां से आ रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आवाज रहेगा, हम सभी को म्यूट म्यूट कर देंगे, जिसके घर में एक्स्ट्रा बात हो रहा है वो अपना म्यूट कर लेगा माइक, वो अपना माइक को म्यूट कर लेगा, है ना। कहीं घर में बातचीत हो रही है तो वहां पर हम म्यूट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम सबको जो म्यूट करेंगे उससे तो आपको आप ही को प्रॉब्लम है ना। इसलिए जिसके घर में अभी कहां से एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है, बोलिए आनंद रंजन आपके घर से आ रहा है, हाँ तो उसको जैसा ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ क्लास चल रहा है ना, एक तो ऐसे ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चार बार म्यूट करते हैं फिर अनम्यूट करते हैं, कभी हटाते हैं इंड करते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं रिज्वाइन करते हैं, तो ऐसे करते रहेंगे तो आप ही का लॉस है, सब बच्चे का लॉस है। हाँ तो यहाँ आपको प्रूव करना है बी एफ इजकल टू सी एफ, तो आपका दिया हुआ है प्रूफ में आपको हिंट दिया हुआ है ए बी इजकल टू ए सी, दो साइड दिया हुआ है इक्वल, अगर दो साइड इक्वल है ना, तो पहला ट्रेंगल ले लेते हैं ए बी एफ एंड ट्रेंगल ए सी ई में, इन ट्रेंगल ए बी एफ, देखो पहला ट्रेंगल ए बी एफ एंड ट्रेंगल ए सी ई में, और बताइए तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा। फर्स्ट तो लिख दिए इस ट्रेंगल का ए बी और इसका ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी आप लिख सकते हो, गिवन में दिया हुआ है गिवन, एक साइड आपको मिल गया इस ट्रेंगल का ए बी और इस ट्रेंगल का ए सी आपका इक्वल है, गुड। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और बताओ हम ये साइड ले लिए और एक एंगल ले लिए, और ये भी लिख सकते हैं ये दोनों भी इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और ई और एफ मीट पॉइंट है, हाँ अगर ए बी इक्वल टू ए सी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, ए बी के हाफ को हम ए ही लिख सकते हैं, ए बी सी में ए बी के हाफ को हम ए ई लिख सकते हैं और ए सी के हाफ को ए एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपका इन ट्रेंगल ए बी एफ में, यहाँ एफ है, इन ट्रेंगल ए बी एफ एंड ट्रेंगल ए सी ई में इसका ए एफ और इसका ए दोनों इक्वल हम प्रूफ किए हुए, आप देख सकते हो कि ए एफ इक्वल टू ए ई, ए एफ इक्वल टू ए ई हम इधर प्रूफ किए, या ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ये भैया अब किस प्रॉपर्टी से कन्वर्जेंट प्रूफ होगा, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी रूल से ट्रेंगल ए बी एफ कंग्रुएंट ट्रेंगल ए सी ई और टू ट्रेंगल्स आर कंग्रुएंट, देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर हम दो साइड का यूज कर लिए तो थर्ड साइड कौन बचा, ए बी ले लिए, ए एफ ले लिए, बच गया बी एफ इक्वल टू सी एफ, हम लिख सकते हो यहाँ पर बी एफ इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी पी बाय सी पी, हाँ बोलो,
आप इस ट्रेंगल में आओगे, उससे भी हो सकता है। आप ठीक बताया, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यही कहना है ना। लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर ये एंगल इसका इक्वल होगा? बोलो, तब ये आप पूरा ये एंगल इक्वल हो सकता है, लेकिन इसका ये हाफ तो दिया हुआ नहीं है। ये एंगल हाफ दिया हुआ रहता तब ना, तो एंगल साइड एंगल कैसे होगा बताइए। किसको किसको पहले बोलो फिर से। एंगल बी ई सी, अगर इस ट्रेंगल को लेते हैं तो एक एंगल हुआ, ये साइड हुआ और ये साइड होगा, यही ना। तो आप इसको अगर लेते हो तो आपका ये एंगल लेना होगा और ये साइड लेना होगा, फिर इसका हाफ लेना होगा। बात तो एक ही हुआ ना, एंगल तो आपका एक ही इक्वल आएगा, दो एंगल तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका बाइसेक्टर नहीं है। ये बाइसेक्टर रहता तो, ये बाइसेक्टर रहता तब ना दो एंगल लेते, है ना। ये बाइसेक्टर आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलस ट्रेंगल एबीसी, हाँ बोलो, नहीं नहीं इसमें एल्टीट्यूड नहीं था, केवल ई एन एफ मीड पॉइंट था। ई एन एफ मीड, एंगल्स दोनों आप, चूंकि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, उस पर बेस्ड उसको हम करेंगे, है ना। चलिए एक प्रॉपर्टी जो हम बताए उसी को फॉलो करो उस क्वेश्चन में। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो दो क्वेश्चन जो था अभी एग्जाम्पल का ही बताए। अब आते हैं एक्सरसाइज, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एन आइसोसेलस ट्रेंगल एबीसी यानी इन ट्रेंगल एबीसी, आइसोसेलस मीन्स दो साइड्स इक्वल होता है, तो टू साइड्स कौन कौन इक्वल है, एबी इक्वल टू एसी यानी एबी इक्वल टू एसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर मीट एट द पॉइंट ओ, कहां मीट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पर।
मीट एट द पॉइंट ओ, यहां ओ नाम दे दो, बायसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट द पॉइंट ओ। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसी क्वेश्चन में ज्वाइन ओ ए, अगर ओ ए को भी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है फर्स्ट में ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड में प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। फर्स्ट आपको प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर यहां पर एंगल का नाम लिख देते हो एंगल वन और एंगल टू, यानी इस दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, एंगल वन इक्वल टू एंगल। बताओ क्या करेंगे पहले प्रूफ में, आपका प्रूफ में एफ ए बी इक्वल टू ए सी, तो टोटल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, रीजन क्या देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, चलो इक्वल साइड्स भी लिख करके छोड़ सकते हैं, और ये टोटल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और दिस लाइन इज द बाइसेक्टर, ये लाइन क्या है बाइसेक्टर है, यहाँ वन टू नाम दे दिए, अगर बाइसेक्टर है तो अगर ये इसका नाम थ्री है तो ये भी थ्री हो जाएगा, इसका नाम फोर है तो ये भी फोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल बी का हाफ थ्री इक्वल टू फोर हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, द हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी, द हाफ एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल थ्री, और हाफ एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल फोर, और अगर थ्री इज इक्वल टू फोर है तो इन ट्रेंगल, हाँ गुड, तो इन ट्रेंगल आप लिख सकते हो इन ट्रेंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में अब एंगल थ्री इक्वल टू फोर है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इसका अपोजिट साइड ओ सी और इसका अपोजिट साइड ओ बी, यानी आप लिख सकते हो ओ बी इक्वल टू ओ सी, और रीजन क्या देंगे यहां पर दे देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, आप ये साइड इसका इक्वल प्रूव कर दिए और ये साइड इसका इक्वल, तो पहला आपका प्रूव हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी, आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट हम प्रूव कर दिए, क्या प्रूव कर दिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसका अपोजिट साइड भी आप ये भी पढ़े हो प्रॉपर्टी ने कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, रीजन दे देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सेकंड प्रूफ करना है ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी आप वन इक्वल टू टू प्रूफ कर दो तो आप लिख सकते हो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब किस किस ट्रेंगल को कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, हाँ ए ओ बी और ए ओ सी, जिसमें
AO कॉमन है, OB इक्वल टू OC अभी प्रूव किए और AB इक्वल टू AC आपका गिवन दिया हुआ है। अने किस कोरिलेंसी रूल का यूज करेंगे? साइड 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 का हम यूज करके दोनों को कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे। CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये लिख लोगे या लिख दें? बोलो। हाँ हाँ, साइड एंगल साइड से होगा। उसके बाद CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, और उसके बाद जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गया तो आप लिख सकते हो देयरफॉर AO bisects angle A। इसको लिख दे कि खुद लिख लोगे? बोलो जल्दी, लिख देते हैं। चलो यहीं पर सेकेंड पार्ट इसको हटा देते हैं, यहीं पर लिख देते सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे? इसी का सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करना है, इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ सी में पहले दे दो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी क्या लिख देंगे? गिवेन आपका ये दिया हुआ था, देखो। सेकेंड ओ बी इक्वल टू ओ सी, लास्ट का दो साइड OB is equal to OC ever proved किए, ever proved। आप इसको फर्स्ट में प्रूव किए OB is equal to OC, और थर्ड OA, देखो यहां भी OA is equal to OA शुरू का दोनों साइड, या AO is equal to AO भी लिख सकते हैं। इसको क्या देंगे रीजन में? जो दोनों ट्रेंगल में है इसको क्या लिखेंगे? कॉमन लिख दिए, यानी साइड 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 कंग्रुएंसी रूल से आप ट्रेंगल ए ओ बी कंग्रुएंट ट्रेंगल ए ओ सी, इफ टू ट्रेंगल्स आर कंग्रुएंट क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है देयरफॉर AO bisect एंगल A, ये प्रूफ। AO bisects एंगल A, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रेंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बीसी, सी द फिगर 7.30, सो दैट ट्रेंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रेंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। अगर दो साइड इक्वल प्रूव करेंगे तो खुद आइसोसेलस हो गए। अगर ये परपेंडिकुलर है, बायसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बायसेक्टर है, तो अगर BC को बायसेक्ट कर रहा है तो BD इज इक्वल टू CD लिख सकते हो, और दोनों D के पास एंगल 1 और 2 नाम दे देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और AD कॉमन है।
यानी किस कन्वेंसी रूल से ये कन्वर्जेंट होगा दोनों ट्रायंगल, क्यों एसएसएस क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलस तो प्रूफ करना है, थर्ड साइड तो इक्वल नहीं है, साइड हाँ साइड एंगल हाँ परपेंडिकुलर है तो एक एंगल आ जाएगा, तो साइड एंगल साइड से हम इसको कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आज क्लास इन करें।